आज हम दिखाने वाले हैं सबसे आसान तरीका के चॉकलेट केक। इसके लिए बटर, दूध, दही, अंडा की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम केक टिन को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून घी। इसको अप्लाई कर देंगे टिन के चारों तरफ से और ले लेंगे 1 टीस्पून मैदा। इससे क्या होगा, आपके केक आसानी से निकल जाएगा। तो हम बर्तन को अच्छे तरह डस्टिंग करके साइड में रख देंगे। देखिए ऐसे ही चारों तरफ से लेना है और एक्स्ट्रा मैदा को फेंक देना है। तो इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ पे ले लेंगे बाउल और एक छन्नी। ड्राई इंग्रेडिएंट को हम सान के लेंगे। यहाँ पे ली है 2 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, पाउडर शुगर 1 कप, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। इन सबको हम अच्छे तरह छान के लेंगे। छान के लेने से अच्छा हो जाता है, बैटर स्मूथ बनेगा और जो रहेगा इसमें लम्स वगैरह वो भी निकल जाएगा अच्छे तरह। देखिए एक्स्ट्रा को हम अच्छे तरह निकाल के फेंक देंगे। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अभी हम डालेंगे ऑयल 1/4 कप, मेल्टेड चॉकलेट 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 टीस्पून और डालेंगे 1 कप वाटर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे दूध, दही, बटर इसके हम यूज़ नहीं कर रहे। देखिए पानी के साथ भी अच्छा केक बनता है, वो भी फ्लफी, बिल्कुल फूगे हुए, अच्छे जालीदार। तो हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरह और इमिडिएटली हम इसको केक टिन में निकाल लेंगे। ऐसे ही बटर बैटर बनाना है आपको। बैटर की थिकनेस आप देख सकते हैं, ऐसा ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। यहाँ पे मैंने मेरे ओवन को प्रीहीट करके लिया है 180 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, हम 40 मिनट रखेंगे। देखिए आप ये सेम प्रोसेस कढ़ाई में भी कर सकते हैं या कुकर में, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 40 मिनट के जगह में आपको 50 मिनट तक रखना पड़ेगा। तो देखिए मेरे केक रेडी हो गया है, मैंने इसको चेक कर लूँगी एक टूथपिक के मदद से। देखिए ये ड्राई निकल रहा है, मीन्स ये रेडी हो गया है। तो इसको निकाल के हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी बना लेंगे शुगर सिरप। इसके लिए हम लिए हैं 1 टीस्पून शुगर और इसको पानी डाल के अच्छे तरह मिक्स करके साइड में रखेंगे। अभी हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर के साथ। देखिए इसके लिए हम पानी रखे है, ऐसा ही रखना है पानी को। यहाँ पे लिए है डार्क चॉकलेट 1/2 कप और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। यही सेम प्रोसेस आप माइक्रोवेन में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रोवेन अवेलेबल है तो। अदरवाइज आप ऐसे ही डबल बॉयलर से करें। देखिए चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, अभी देख सकते हैं पूरी तरह मेल्ट हो चुका है। इसको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अभी हम ले लेंगे व्हीप क्रीम 1 कप, ले लेंगे मेल्टेड चॉकलेट 2 टीस्पून और लेंगे पाउडर शुगर 2 टीस्पून। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको बीट करेंगे 15 मिनट के लिए और इसको ठंडा रहते हुए ही बीट करना है, अदरवाइज ये क्रीम फूलेगा नहीं अच्छे अच्छे तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, क्रीम को ठंडा होना ज़रूरी है। देखिए ये 15 मिनट तक बीट होने के बाद ऐसा ही थिकनेस आएगा आपका, ये चेक करके बताती हूँ। देखिए ये आप उल्टा करेंगे तो गिरेगा नहीं। देखिए मेरे केक भी ठंडा हो गया है, केक को निकाल लेते हैं। देखिए केक कितना अच्छा बना है, स्पॉन्जी बना है देखिए, और काटने के बाद आपको दिखाएंगे कितना जालीदार बना है। तो देखिए केक काटने के लिए मेरे पास ऐसा बड़े छुरी अवेलेबल है, आपके पास नहीं है तो आप छोटे छुरी के मदद से भी काट सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है थ्रेड से काटना, मैं वो भी बताती हूँ आपको कैसे काटना है। एक थ्रेड लेना है और बराबर से रखना है, थ्रेड से कटेंगे तो ये बराबर से काट जाता है।
ऐसा देखिए ये कितना अच्छा कट जाता है दोनों हिस्से में। ये देखिए केक कितना जालीदार बना है। कि मेरे पास यहाँ पे केक डेकोरेशन के लिए प्लास्टिक के कोन अवेलेबल है, आपके पास नहीं है तो आप बटर पेपर से कोन बना के इसको लगा सकते हैं और इसका आसान डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसा ही क्रीम लगा के लेना है और उसके बाद केक को रखना है। यहाँ पे मैंने उल्टा साइड से रखे ताकि मैं कोई भी केक को वेस्ट नहीं करती हूँ, पूरे यूज़ कर लेती हूँ। उल्टा साइड से शुगर सिरप डालने के बाद मैं सीधा करके लूँगी इसको क्रीम लगाने के लिए। तो अच्छे तरह शुगर लगाना है और यहाँ पे मैंने उल्टा साइड को सीधा कर लिया है और इसको क्रीम लगा लेंगे। और थोड़ा हिसाब से लगाएंगे, साइड से ज़्यादा लगाएंगे और अंदर कम लगाएंगे ताकि हमारी जो लेयर है वो बराबर आ जाएगा। तो इसको मैं नाइफ के मदद से अच्छे तरह स्मूथ कर लेती हूँ। देखिए ऐसे ही स्मूथ करके लेना है। आप आसानी से घर के नाइफ से या पुरानी कोई भी कार्ड रहता है जो आपके पास, एटीएम कार्ड वगैरह जो एक्सपायर हो जाता है, उसके मदद से भी आप आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास नाइफ है तो मैं नाइफ से ही कर रही हूँ। आपके पास साधारण नाइफ है छोटे वाला, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बीच वाला लेयर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैं दूसरा लेयर रेडी करने के लिए रखूँगी केक को। और इसको भी हमें अच्छे तरह शुगर सिरप डालना है। देखिए इसको रख के लेते हैं और धीरे धीरे इसके ऊपर शुगर सिरप डालते जाएंगे ताकि ये सूखा ना रहे। अच्छे तरह गीला करना ज़रूरी है तो केक अच्छा बनता है, अच्छा सॉफ्ट बनता है और टेस्ट भी बराबर से आता है। देखिए जैसे बाज़ार में मिलता है इतना ही परफेक्ट केक बनता है। ऐसा आप ट्राई करेंगे घर में तो आपको बाज़ार से केक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे और एकदम बाजार जैसे परफेक्ट केक बनेगा। तो मैं दूसरे बाजू से भी क्रीम लगा के लेती हूँ। ऐसे ही अच्छे तरह लगाना है। इसको मैं साइड से भी लगा लेती हूँ। और अभी सेम प्रोसेस आपको सूरी की मदद से इसको अच्छे तरह स्मूथ करके लेना है और साइड से भी लगा लेती हूँ, जो साइड में रह गए उसे भी लगा लेती हूँ। कोन के मदद से लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा आपका और इसका जो लेयर है वो बराबर से आएगा। जो एक्स्ट्रा क्रीम है ऐसे धीरे धीरे उसको हटा लेने का है और धीरे से इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये स्मूथ भी बन जाएगा। तो इसको मैं स्मूथ करके और साफ करके मैं आपको बताती हूँ। नीचे जो एक्स्ट्रा क्रीम लगा है उसको हम साफ कर लेंगे और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिंपल डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। देखिए ये बहुत आसान डिज़ाइन है। आपके पास केक बनाने का सामान अवेलेबल है तो कोई भी अच्छा सुंदर डिज़ाइन आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जितना क्रीम बनाई थी वो पूरा देखिए यूज़ हो गया है, कोई भी वेस्ट नहीं जाता है। एक कप के हिसाब से आप क्रीम लेंगे तो पूरा आपका यहाँ पे हाफ केजी का केक बन जाएगा। यहाँ पे डालेंगे मेरे मेल्टेड चॉकलेट। देखिए ये चॉकलेट अभी तक ही इतना अच्छा और स्मूथ रही है तो इसको भी पूरा हम डाल के लेंगे और इसको हम धीरे से नाइफ के मदद से इसको हल्का हल्का से नीचे की तरफ गिराएंगे तो हमारा अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा ही गिराना है जैसे कि आपके एक सुंदर सा डिज़ाइन बने, पूरा नहीं गिराना है। ऐसा ऐसा एक छोटा छोटा लाइन ही गिराना है ताकि आपके एक सुंदर सा डिज़ाइन बनेगा जैसे आपको बहुत बार बाजार में मिलता है ऐसा डिज़ाइन वाला केक। तो ये डिज़ाइन आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं
और वो भी कम मेहनत से। तो देखिए मेरे केक रेडी हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।